श्रीलंका में पिछले 3 महीने से जारी आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण हालात गंभीर हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सरकारी आवास में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद राजपक्षे अपने परिवार समेत भाग गए और आधिकारिक तौर पर इस्तीफे की घोषणा कर दी। और वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक राष्ट्रपति गोटाबाया इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक वो राष्ट्रपति भवन खाली नहीं करने वाले। इसी बीच एक बात और सामने आ रही है कि राजपक्षे ने आखिर इस्तीफा देने के लिए 13 जुलाई का दिन ही क्यों चुना। इस बात को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिर राष्ट्रपति गोटाबाया ने अपने पद से इस्तीफा देने के लिए 13 जुलाई का दिन ही क्यों चुना। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस 13 जुलाई को पूर्णिमा होने के कारण इस दिन को राजपक्षे की पसंद की तारीख के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये दिन बौद्ध धर्म के लोगों के लिए धार्मिक महत्व रखता है, जिसे सिंगली में पोया कहा जाता है। बता दें कि श्रीलंका में प्रत्येक पोया दिवस पर सार्वजनिक अवकाश होता है। क्या है ऐसला पोया? श्रीलंका थेरवाद बौद्ध धर्म का अनुसरण करता है। थेरवाद बौद्ध कैलेंडर में जुलाई की पूर्णिमा को ऐसला पोया के रूप में मनाया जाता है, जिसे असाढ़ पूजा या आसन बुचा के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, लाओस, म्यांमार और थेरवाद बौद्ध आबादी वाले देशों में मनाया जाता है। आपको बता दें कि श्रीलंका के इतिहास में जुलाई का महीना हमेशा ही असाधारण रहा है। साल 1983 में 24 से 30 जुलाई के बीच तमिल विरोधी नरसंहार के बाद इस महीने को लगभग 4 दशकों तक ब्लैक जुलाई के रूप में मनाया जाता रहा है।